नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अल रजाक टीवी का एक वीडियो है जिसका टाइटल है हिंदू वुमन ओपन द एक्सपोज ऑफ बागेश्वर धाम रिएक्शन वीडियो। तो ये अल रजाक टीवी का वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि जो हिंदू वुमन है, जो हिंदू लेडी है, उसने जो बागेश्वर धाम है उनका क्या मतलब कौन सी बात है जिसको उन्होंने एक्सपोज किया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको साथ में, और इसके बाद इस वीडियो के एंड में मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या बताया था। और इसमें इन जो बागेश्वर धाम है इनके वीडियो के बाद में हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब का उनके ऊपर क्या कहना है। लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। कागजी, कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी तीन औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात सही है जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। हाँ। सदा बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या कोई शख्स हाथ की लकीरों को देखकर फ्यूचर बता सकता है? या कोई भी शख्स, कोई भी इंसान गैब का इलम जानता है? तो इसका जवाब है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका जवाब ना में ही आता है। तो एक पंडित है बागेश्वर दान, जो है वो लोगों का फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। एक औरत आती है उसके पास और वो कहती है कि मेरा शोहर जो है वो ठीक नहीं है, मतलब कि उसके जो है वो गैर औरतों के साथ ताल्लुकात हैं, वो मेरे साथ भी अच्छे तरीके से नहीं रहता। तो आगे से जो है वो बागेश्वर पंडित जो है वो कहता है कि तुम भी जो है वो कम नहीं हो। बागेश्वर कहता है कि तुम चुप रहो, तो अब मैं बताता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो है वो शोहर, उसका तीन औरतों के साथ ताल्लुकात है और वो जो है वो नशे भी करता है और वो जो है एक अच्छा इंसान नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को जानते भी ना हो और जो है उसका नाम ही सिर्फ जानकर उसका फ्यूचर बता दें और वो क्या कर रहा है ये बता दें? तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाद में जब वो औरत चली गई तो उसका बाद में एक क्लिप आया, उसने कहा कि इसने जो है वो सरासर झूठ बोला। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बता दे कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, या हमारे किसी के साथ क्या ताल्लुकात हैं, या हम क्या अच्छे काम कर रहे हैं, या हम कौन से बुरे काम कर रहे हैं? इस तरह की जो बातें हैं कि कोई फ्यूचर बता दे या कोई बगैर सोचे समझे ही किसी को कह दे कि आप इस टाइम ये कर रहे हो और उसको इस बात का इलम भी ना हो, तो ये बिल्कुल एक गलत सी बात है। तो आइए हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें औरत उससे बात कर रही है और सवालात कर रही है, अपने मामलात बता रही है, और उसके बाद वाला क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि उसमें औरत जो है वो उसके पास जो गई थी सवाल करने और उसको जो जवाब मिले उसके बारे में वो क्या कहती है। और इसके बाद जो है सबसे अहम सवाल ये है कि हम ये जानेंगे कि जो पंडित जो है हाथ देहात की लकीरों को देखकर फ्यूचर बताते हैं या वो नाम जानकर फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये हकीकत है या इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है लेकिन कोई सुख नहीं। लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। कागजी, कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी तीन औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात सही है जी बाबा। अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। हम देखो, हम फिर इसीलिए तो कहते हैं कंट्रोल रहना जी, वरना हमारा वाईफाई चालू हो जाता है तो बंद नहीं होता जी बाबा जी। अब सुधर जाना, तुम्हारी शिकायत ना मिले हमें। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। हाँ। सदा बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी माँ बाबा बहुत है कि
इनका भी कुछ दिन में लापता, जेल में रोटी तोड़ेंगे। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज गलत होगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजिक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिबे इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लजीन आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंजाबु वल असलामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुध परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान, फर्स्ट लकुम तफलियून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिष गिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुध परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जमा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाल्लाह। आई एम मिस डी मैकडोनल्ड, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव टू क्वेश्चंस टू आस्क ऑफ यू प्लीज। द फर्स्ट वन इज, इन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ द कुरान इट इज रिटन दैट इफ अ वुमन डिसोबेज हर हस्बैंड he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could answer one question, I'll answer that, then we'll come to the next question inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाजत है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मारे, मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उन्हें, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए, नहीं समझती है तो उसको डांट ही दे सकता है, उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी देके बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज है दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं, और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना, इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग।
और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा, कि कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है। लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे। अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रली क्या हो, शोहर की तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो, फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्क कर सकती है। निकाह फस्क मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? Bin ka sawal tha ki wo janna chahti thi ye Ahmadis kaun hai, wo janti hai ki wo mante hai ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhri nabi nahi hai, wo janna chahti hai. Ahmadi ek aisa firqa hai jo kehta hai ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhri रसूल नहीं है। कुरान की आयत साफ कहती है सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातिमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल है, और वो खातिमुन नबीयीन है, अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी, दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले है, और कहते मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं, गलत तर्जुमा करते, और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। दैट द रीजन आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।
तो जैसे कि वीडियो में बोला था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी का हाथ देखकर या उसके माथे की लकीरें देखकर उसका फ्यूचर बता सके, क्योंकि अगर वो लोग वाकई ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि किसी का हाथ देखकर, किसी के माथे की लकीरें पढ़कर वो किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, तो वो अपना ही फ्यूचर क्यों नहीं पता लगा लेते कि वो कितनी मेहनत करे कि उन्हें कुछ मिल जाएगा। क्यों वो ऐसे मंदिरों के बाहर या ऐसी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं और लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेके उनका भविष्य बताते रहते हैं, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि आप पूजा पाठ करवा लो, पूजा पाठ करवाने के बाद में आप जो चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा, अगर आपको पैसा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बाहर जाना है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, आप इतने हज़ार रुपये हमें दे दो, इतने 100 रुपये, 1100 रुपये दे दो, 5100 रुपये दे दो, इतने की पूजा करवा लो, उतने की पूजा करवा लो और आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर वो इतने बड़े बड़े तांत्रिक बोलो या इतने बड़े बाबा हैं कि वो किसी की मुराद पूरी कर सकते हैं, तो वो खुद ही अपने दिल में एक विश क्यों नहीं पैदा कर लेते कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, और पूजा करके अपनी ही विश क्यों नहीं पूरी कर लेते। तो ये सब लोगों को पागल बनाने वाली बातें होती हैं, लेकिन ये है कि लोग कई बार इतने ज़्यादा इमोशनली टूट जाते हैं कि वो किसी के पास भी चले जाते हैं, किसी बाबा, पंडित, मौलवी, कहीं पर भी चले जाते हैं और जाके उन्हें बोलते हैं कि मुझे ये परेशानी है। परेशानी तो हर किसी की लाइफ में होती है, तो वो जैसे ऐसे बाबा लोगों के पास जाते हैं और वो बाबा उन्हें बोलेंगे कि हाँ माई, मुझे पता है कि तू यहाँ क्यों आई, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है। तो अगर वो देख लेते हैं कि अच्छा माताजी टाइप में है तो ज़रूर इसकी बहू परेशान करती होगी, तो ऐसे ही बोल देंगे मुझे पता है तू अपनी बहू से परेशान है। अगर बहू सी लग रही है तो बोल देंगे मुझे पता है तू अपनी सास से परेशान है। कोई बंदा गया, उन्हें देखने से पता चला ये नौकरी पेशा बंदा है, तो उसे बोल देंगे कि तुझे नौकरी में तरक्की, मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसे तुक्का मारते हैं कि बंदे के ऊपर फिट बैठ जाता है। हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, और लोग बोलते हैं यार वाकई इस बाबा में तो बहुत ताकत है, इसने मुझे देखते ही बता दिया कि मेरी लाइफ में क्या परेशानी चल रही है। तो बस उनकी ऐसे ही लोगों के साथ में उन बाबा लोगों की लॉटरी लग जाती है और वो अपना घर चलाते हैं, अपना मतलब पैसे बनाते हैं ऐसे लोगों से वो। तो लेकिन ये हकीकत है कि कोई किसी का फ्यूचर नहीं बता सकता, जो किस्मत में लिख दिया है उस रब ने, उसके आगे किसी की मर्जी नहीं चल सकती और कोई किसी का कुछ बता भी नहीं सकता कि उस रब ने क्या लिखा है आपकी किस्मत में। और ये जो अहमदी वाला किस्सा डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया था, वो मैं फर्स्ट टाइम सुना है ये ना इनसे, मतलब मैंने कभी भी नहीं सुना कि ऐसे भी लोग हैं जो रसूल को आखिरी पैगम्बर नहीं मानते हैं, आखिरी रसूल, और वो कुछ उन्होंने अपने अलग ही मतलब निकाल रखे हैं रसूल और नबी का, कि वो बोलते हैं कि नबी का तर्जुमा ऊपर है, रसूल उसे थोड़ा छोटी है उनका ओहदा। तो ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मैंने कभी भी किसी वीडियो में आज तक ऐसा नहीं सुना कि वो कौन होते हैं और कौन लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। बाकी बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय।